घाटी में स्कूल जलाए जाने और पाक फायरिंग नाम नागरिकों के मारे जाने पर पीएम मोदी की दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग जारी। राजनाथ पर्रिकर, एनएसए डोभाल समेत कई आला अधिकारी बैठक में मौजूद। सीमा पर तनाव के बीच आज उरी ब्रिगेड का दौरा करेंगे रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर। नापाक फायरिंग में अब तक 10 लोगों की मौत। बीएसएफ ने पाक की 14 चौकियों किया तबाह। कश्मीर के शोपियां में डाइट के प्रिंसिपल के घर में लगाई गई आग। नायडू ने कहा, पाकिस्तान के इशारे पर लगाई गई आग। घाटी में अब तक 2 दर्जन से ज्यादा स्कूल जलाए गए। 439 स्कूल अगले आदेश तक बंद। एलओसी पर फायरिंग पर बोले बीजेपी सांसद सतपाल सिंह, कृष्ण ने शिशुपाल को सजा देने से पहले 99 बार किया था माफ। पाकिस्तान को भी उसी अंजाम का इंतजार। 99 बार जो है भगवान कृष्ण ने माफ कर दिया, लेकिन जब भी वो रुका नहीं, अपनी आदतों से रुका नहीं, तो 100वीं बार जब उसने कुकृत्य करने का प्रयत्न किया तो भगवान कृष्ण ने खुद उसको सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। मुझे लगता है कि पाकिस्तान को वो दिन आने वाले हैं जब पाकिस्तान पाकिस्तान नहीं बचेगा। भारत में पाकिस्तानी उच्च आयोग के 16 और कर्मचारी आईएसआईएस के जासूसी के रैकेट में हो सकते हैं शामिल। पाक जासूस महमूद अख्तर ने पूछताछ में किया खुलासा, सूत्रों के हवाले से खबर। वन रैंक वन पेंशन को लेकर सेना के रिटायर सूबेदार रामकृष्ण ग्रेवाल ने की खुदकुशी। सुसाइड नोट में लिखा, वीर जवानों के लिए दे रहा हूं जान। जंतर मंतर पर भी धरना दे चुका था पूर्व जवान। सीमा आतंकियों के एनकाउंटर की होगी एसआईटी जांच। सीआईडी के एसपी डीजीपी को सौंपेंगे रिपोर्ट। वकैया ने दिग्विजय पर मुठभेड़ पर सियासत का लगाया आरोप। कल मिशन 2017 फतह करने के लिए रथ यात्रा पर निकलेंगे सीएम अखिलेश। मुलायम कल रथ यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। वाराणसी समेत कई जगहों से अखिलेश समर्थक लखनऊ रवाना।